नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया। मेरी फ्रेंड्स मेरे को बोली है कि भाई हमें ये देखिए बीन्स है, आप है ना इसको थोड़ा मैजिक करके दिखाइए। तो मैंने ये आपको आज बीन्स की सब्जी बना रही हूँ। मैं बीन्स की सब्जी 2 मिनट में कुकर में, फ्रेंड्स मैं आपको बीन्स की सब्जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाजवाब बनाने वाली हूँ मैं आपको। काट रही हूँ जिससे आपको अच्छा लगे, जल्दी जल्दी हो जाए हमारा। मैं इसे काट दे रही हूँ। सुबह सुबह हम लोगों को टाइम नहीं रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मसाला वाला बताऊंगी मैं। फटाफट ऐसे हमने काट देना, हाँ ध्यान से। बढ़िया लग रहा है देखिए हमारा फ्रेंड्स। ये मैं 5 मिनट ऐसे रख दूंगी जिससे हमारा फ्रेश हो जाए। देखिए मैंने काटने के बाद हमारा अच्छे से, मैंने गैस ऑन कर दी है। ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, 2 चम्मच तेल, फ्राई करना है हमने, हरी मिर्च, करी पत्ता, एक लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये थोड़ा तेज पत्ता। तेज पत्ता डालने से बहुत ही टेस्ट रहता है। किसी सब्जी में भी डाले, मैंने जीरा डाला है, प्याज डाला है, करी पत्ता और तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च डाला मैंने। जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा हमारा। बढ़िया बनने वाली है सब्जी। पहले बीन्स को पानी में जितना भिगो के रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, उसके अंदर पानी पूरा अच्छे से भर जाएगा तो उतना टेस्ट आएगा उसका। अभी नमक स्वाद अनुसार, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी मैं आपको, 2 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, उसी से मैं बना रही सब्जी। आपको बहुत ही टेस्ट रहेगा, मैं अलग टाइप की बना रही हूँ बीन्स टेस्ट के लिए। हो गया है ऐसे पानी पूरा, आवाज़ भी आ रही है आपको। इसके बाद मैं इसको करके टमाटर डालूँगी, टमाटर छोड़ना है हमने, तो फिर दोबारा सब फ्राई करूँगी मैं अच्छे से। दो मिनट रखा मैंने, टमाटर गल चुके हैं, ऐसे गलने चाहिए हल्के हल्के, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ढक्कन खोल रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने पेस्ट डाला था, एक आवाज़ आ रही है आपको, फिर दोबारा मैं दिखा रही हूँ। तो कैसा हमारा थोड़ा फ्राई हो जाना चाहिए। नारियल का पेस्ट डाल रही हूँ,
जिससे इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। दो चम्मच लिए मैंने, बहुत ही बढ़िया कलरफुल लगेगा। देखिए कितना कलरफुल भी लग रहा है आपको, और उसमें जूसी इतना अच्छा जाएगा मैं आपको बता नहीं सकती। देख लेना हिसाब से, सब डाल दिया सही से। धनिया पत्ता डाल रही हूँ आपको मैं, एक विजल लगा देना है, कुक कर लिया, एक विजल आना नहीं चाहिए। दिखाती हूँ बनके तैयार हो गया, मैश भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत अलग अलग है, रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। लेकिन बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब लग रही है। अगर किसी को सब्जी का शौक होगा तो वो ऐसे ही खा लेगा, क्योंकि इसमें इतने अच्छा मैंने वो फ्लेवर भी डाला है। हमारी बीन्स की सब्जी डिफरेंट, ये देखिए मैंने ऑनियन से डेकोरेशन करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें देखने साथ ही बनता है, इसमें देखिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला नहीं है, मैंने आपके हेल्थ के लिए बहुत ही टेस्ट। फ्रेंड्स, ये हमारी बीन्स की सब्जी बना के दिखा दी है मैंने, देखिए इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, नमक और हल्दी डाली है मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट और भी अच्छा आने के लिए, और मैंने इसमें नारियल डाला है, देखिए देखने से बनता है, और मैंने कुकर में डाला, अब मैश नहीं हुआ है। देखिए हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी आई है, देखिए ग्रेवी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी आई है, आपको रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं टेस्ट करके बताती हूँ, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लग रही है मैंने उसमें, आप बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्ते।